नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ टेक्निकल पर। मैं फिर दोस्तों दोस्तों आज हम 405 लीटर का यदि फ्रीजर है, इसकी हम पाइपिंग करने जा रहे हैं। इसमें लगने वाला जो सामान आप देख सकते हैं, एक हमारा क्वार्टर है, 1/4 का पाइप है, दो लेंथ हम लिए हैं, 50-50 फीट का है लगभग, और एक कैपिलरी है। क्या साइज है, क्या व्यवस्था है, कितना है हम बताएंगे बाद में। एक ड्रायर जो है, फिल्टर है, बिग साइज वाला है, देखिए बिग साइज वाला है, ये लगभग वो 10 इंची का लगभग है ड्रायर फिल्टर है। इसको माउंट करने के लिए हम बाहर से इसमें माउंट करेंगे, माउंट करने के लिए हम एक जुगाड़ लगाए हैं, क्योंकि LED का काम होता है, हम लोग यहाँ LED TV भी हम रिपेयर करते हैं, और हमारे पास तो पूरा पर्याप्त नहीं था। एक हमारे मित्र हैं, वो भी इंजीनियर हैं LED TV के, उनसे हमने ये उनके यहाँ बेस्ट जाता है, ये स्क्रैप में डालते हैं, ये एल्युमिनियम का स्टिक है। अब एल्युमिनियम का होने की वजह से इस पर जंग नहीं लगना है, किसी तरह का कार्बन फंगस नहीं लगना है, हम इसी के सहारे इसको रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, किस तरह रोकेंगे, आप देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और अब इसका जो प्रोसेस है आपको दिखाएंगे, स्टेप बाई स्टेप बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हमको पाइप यहाँ पर ड्रॉप करना है, यहाँ गिराना है, इन आउट दोनों, इसका सेंटर लेके चलेंगे। यहाँ देखा, देखिए हम मार्किंग कर रखे हैं पहले से, मार्कर से, और पाइप जैसे जैसे हमको ले जाना है वो भी हम मार्किंग पहले कर लिए हैं। यहाँ से देखिए एक जुगाड़ मेरे पास है, और कोशिश ये हो कि दीवार से सट के हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से पाइप उठाया है, और ऐसे यहाँ से पूरा जो है इतना एरिया लेकर ऐसे कवर कर दे। एक बार में ये कवर हो गया, क्योंकि बीच में हमारे ये थोड़ा डिवाइडर लगा हुआ है, इसके वजह से हमने इधर कवर कर लिया, और यहाँ से फिर देखिए ऊपर की तरफ गया, और ये आप देखेंगे पूरा इस तरह से, अब यहाँ यू बन रहा है, फिर यहाँ यू बन रहा है, ऐसे करके पूरा यू बना के। देखिए हम पहले से निशान बना लिए थे कैसे 6 लाइन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे से, और नीचे से यहाँ से फिर आके फिर इसमें फिर से बाहर हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और ये फिट करने के लिए देखिए हम एक सपोर्ट यहाँ दे रखे हैं, एक सपोर्ट ये डायरेक्ट नीचे तक चला जाएगा, बाकी 3 यहाँ ये भी नीचे चला जाएगा, और यहाँ से देख लें, और हमारे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट व्यवस्था लग रहा है। आपकी नज़र में क्या है, सही है कि नहीं सही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह तरीका सही है कि नहीं सही है, इसकी लाइफ क्या होगी। लाइफ तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम है, इसका रिपीट भी सड़ेगा नहीं, और रिपीट की सहायता से, रिपीट गन की सहायता से हम इसको रिपीट किए हैं सब ड्रिल मार के। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा, एक एक इसका स्टेप आपको बताएँगे दिखाएँगे, तो बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पाइपिंग अंदर का हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें हमने 6 के बजाय एक लाइन और नीचे आप देख सकते हैं हमने बढ़ा लिया है, 7 लाइन कर दिए टोटल, क्योंकि लेंथ कम हो जा रहा था इसलिए हमने एक लाइन और एक्स्ट्रा डाल दिया है। और अच्छी बात यह है कि इसका क्रम देखिए, ऊपर का स्पेस कम अधिक है, नीचे धीरे धीरे स्पेस कम होता गया, मतलब नीचे कूलिंग ज़्यादा मिलेगा। वैसे हम कूलिंग तो ऊपर से शुरू करेंगे, लेकिन तब भी नीचे पाइप ज़्यादा रहेगा तो कूलिंग ज़्यादा मिलेगा, तो काफ़ी जो है कूलिंग काफ़ी समय तक रुकेगा जब नीचे कूलिंग रहेगा, और ठंडा बढ़िया होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों हम निकाल दिए हैं बाहर पाइप, दोनों सिरे, आप किसी को फर्स्ट किसी को एंड बना सकते हैं, लेकिन हम ये दिमाग लगाए हैं हम कैपिलरी इसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कैपिलरी इसमें डालेंगे तो
तो पाला वाला सिरा है तो कूलिंग ऊपर से आना शुरू होगा, ऊपर से आना शुरू होगा। और चूँकि माल भरा रहता है तो ज़्यादातर ऊपर से ही बिक्री होता है, नीचे बार बार कोई हाथ डाल के निकालता नहीं है, नीचे वाला धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। इंस्टेंटली ठंडा हमको चाहिए ऊपर, तो ऊपर इंस्टेंटली ठंडा होगा, ये व्यवस्था है, ये सेटअप होने बैठा है। अभी बीच बीच में कहीं कहीं के और क्लिप लगाना है, लगा देंगे, थोड़ा और मजबूती आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा, और बड़ी कठिनाई से इसको हम किए हैं, मेरे पैर में इसमें प्लास्टर लगा हुआ, लेकिन तभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। अब इसमें हम कैपलरी लगाएंगे और यहाँ से ये सक्शन लाइन को भी ओपन करेंगे और देखेंगे क्या होने लायक है, और फिल्टर भी लगाना है, ये करेंगे, बने रहिए। तो दोस्तों हमने फिल्टर जोड़ लिया है, कैपलरी जोड़ लिया है, और कैपलरी जोड़ने के बाद एक बार इसका जो है आप देख लें कि क्या रिटर्निंग दे रहा है, नहीं ठीक ठाक, तो यहाँ हमको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल रहा है। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ देखिए ये सेक्शन लाइन को हमने बहुत अच्छा से इसको जोड़ दिया है। अब इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों हमने पूरा सिस्टम सेट करके इसको वैक्यूम पे डाल दिया है, अभी वैक्यूम होना शुरू हुआ जस्ट, और इसको कम से कम 20 मिनट तो ऐसे छोड़ेंगे दोस्तों। 20 मिनट के बाद ही जो है हम इसमें गैस फिल करेंगे। और एक चीज़ और है, अगर आपको संदेह कहीं पे हो, मतलब इस कंडेंसर में संदेह हो, तो आप वैक्यूम करके इसको एक आध घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो भी क्लियर कर देगा कि कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो भी सामने आ जाएगा। तो पहले डाउट अपना क्लियर करके इसमें गैस डाल, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, बने रहिए। तो दोस्तों हमने वैक्यूम होने के बाद लगभग 30 मिनट तक इसको छोड़ दिया, और 50 माइनस पे था, उसी पे पड़ा हुआ है। अब इसमें गैस हम डालना शुरू करेंगे, तो अभी स्टार्ट करने से पहले इसमें गैस डाल दें, कम से कम 20 पाउंड तक चला जाए, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट किया जाएगा। क्या रिजल्ट होगा आपके सामने रहेगा, बताएंगे आपको, बने रहिए। तो दोस्तों देखिए अभी हम लगभग 30 पाउंड पे इसको कर दिए हैं, अभी कंप्रेसर तो टूटा नहीं होगा हमको पता है, इसको चालू करके देखते हैं। और यहाँ हम टैंक टेस्टर भी लगा लिए हैं, स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट हो गया, और ये रिवर्स होना शुरू हो गया, और वैक्यूम में तो चला ही जाना चाहिए, अभी इतना गैस तो नहीं डाले हैं कि वैक्यूम ख़त्म हो जाए। तो वैक्यूम टूटने में थोड़ा सा है, जीरो के बाद आ जाएगा। एक हाथ और गैस डालते हैं, उसके बाद देखते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों हमने दो तीन स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके लगभग 5 पाउंड गैस डाल दिया इसमें। और दोस्तों गैस डालने में ज़रा सा भी तेज़ी नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, इसमें स्टेप स्टेप करके डालें, कम से कम 10-12 स्टेप में डालें, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा थोड़ा समय लेके। और देखिए अभी इस पर हम कम से कम 10 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट में ये अपना जो बिहेवियर दिखाना होगा दिखाएगा, और इसको कंप्रेस होने के जो भी व्यवस्थाएँ हैं और संपन्न कर लेगा इतना गैस जब, उसके बाद तो दोबारा आगे फिर डालेंगे और देखेंगे कूलिंग का क्या व्यवस्था है, बने रहिए। तो दोस्तों अभी वही कंडीशन है गैस का जो डाले हुए थे, लगभग 10 पाउंड है, और इसकी करंट रेटिंग जो है उस करंट रेटिंग से 0.23 अधिक ले रहा है, ये हो जाता है। अभी पाइपिंग आप अगर कर रहे हैं तो करंट रेटिंग बढ़ जाना है, क्योंकि कंप्रेसर भी थोड़ा सा ओल्ड हो जाने की वजह से थोड़ा लोड लेने लगता है, लेकिन 0.3 वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आपको अंदर का हाल दिखा दें, अंदर का क्या हाल है, आप देख सकते हैं, और ये पूरा आइस है, टोटली आइस है, देखिए आइस है ये, और यहाँ गैस गिर रहा है स्टार्ट में, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यही है। और आप देख सकते हैं
यहाँ सामने अगर देखेंगे एक दो तीन चार, चार पे तो पूरा भरपूर देखिए उंगली पकड़ रहा है, और पाँच भी धीरे 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 कवर कर रहा है। अभी ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट हुआ, इससे ज़्यादा हुआ नहीं है। और आपको दिखाएं इधर तो ज़्यादा है, एक दो तीन चार पाँच पे आई से, देखिए इस पे भी आई से, इस पे भी आई से, इस पे भी आई से, पाँच पे आई से, और छठे वो ये कुल कर रहा धीरे 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 धीरे। तो और इसके अंदर देखिए कि इस चैम्बर में कूलिंग हमको फील हो रहा है दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास कूलिंग फील हो रहा है। दूसरे वाले केबिन को दिखा दें आपको, इसको बंद करते हैं और इसको दिखा दें। यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच, इस पर भी आइस है, यहाँ देखिए इस पर भी आइस है। तो और ये वाला भी धीरे 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 कूल कर रहा है, बढ़ रहा है कूलिंग यहाँ पे है, रिटर्निंग वहाँ मिलना शुरू होगा। इसमें कूलिंग दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, एकदम जैसा चाहिए वैसा। इस पर पेंट मारा जाएगा इसके बाद, थोड़ा और ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या कैपल, ये पाइप कितना लगा है और साइज़ क्या है। तो ये जो है आपका क्वार्टर साइज का पाइप है, और लेंथ लंबाई कितना लगा है, लगभग 85 फीट इसमें लग गया, 85 फीट लग गया इसमें। और इसमें हमने कैपलरी जो इस्तेमाल किया है, कैपलरी इस्तेमाल किया है एक गौरवा भाषा में जिसको 40 नंबर बोलते हैं। और ये कैपलरी देखिए, कैपलरी भी दोस्तों हीट हो रहा है, फिल्टर भी हीट हो रहा है। और जब भी इसको सेट करें तो कुछ फिल्टर पे डाल दें, थोड़ा इसे चोक होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि फ़िल्टर हीट होता है, कैपलरी को हीट करके रखता है, तो गैस का जो है प्रेशर ठीक ठाक बना के रखता है। और कितना फीट है ये, 10 फीट डाले हैं, 40 नंबर 10 फीट, और 85 फीट हमारा क्वार्टर पाइप अंदर इस्तेमाल हुआ है। ये पूरा डाटा है इसका, जो भी डाटा था एकदम, एक बात और, फेक डाटा नहीं, इधर ओरिजिनल डाटा जो डाले हैं वो आपको बता रहे हैं। रिस्पांस आपके सामने है, आपको फिर एक बार दिखा देंगे। और करंट रेटिंग भी लगभग ठीक है, करंट रेटिंग भी लगभग ठीक है। पॉइंट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि दोबारा पाइपिंग करने में उतार चढ़ाव आता है। एक बार फिर से देखिए, एकदम यहाँ कूलिंग फील हो रहा फर्स्ट क्लास। और अब यहाँ इसका हाल देख सकते हैं एकदम। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव आपका हो तो भी हमको दीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो जब दो तीन पाइपिंग के डाले थे तो आप लोग सुझाव भी दिए थे, जो भी सुझाव देने लायक था। और अगर हमारे काम में कुछ क्वालिटी है या नहीं है, इसको ज़रूर एक बार इस कमेंट करें इसके बारे में। और कोई अगर जो सवाल हो तो फिर आप कमेंट में कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो नंगा दिख रहा है, यह इंसुलेशन लगा है, मेरे पास इंसुलेशन है। और दोस्तों इस पर हम इंसुलेशन भी डाल देंगे, इस पर भी डाल देंगे, जो रात थोड़ा जो आइस दिख रहा है ये पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिटर्निंग आ रहा है, रिटर्निंग आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी रिटर्निंग आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, तो संतोषजनक है। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आपसे कहते हैं जय हिंद जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।